नमस्कार, मैं नियाज खान। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है, लेकिन इस मैच से पहले सोशल मीडिया पर पहले ही दोनों देशों के फैंस के बीच जंग से छिड़ चुकी है। भारत और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों से लेकर फैंस अपनी अपनी टीम को बैक दे रहे हैं और अब इस खास जंग में दोनों देशों की फूड डिलीवरी ऐप भी कूद पड़ी है। जोमैटो और करीम पाकिस्तान के बीच ट्विटर वार छिड़ गई है। यह वार मैच से पहले शुरू हो चुकी है। शुरुआत करीम पाकिस्तान ने की, जिसने ट्विटर पर लिखा, मुफ्त खाने का मौका भी और जीतने का मौका भी। पाकिस्तान और इंडिया मैच के दिन खाना 9 बजे तक ऑर्डर करें और अगर पाकिस्तान जीतता है तो हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। इसके बाद जोमैटो ने ट्विटर पर लिखा, पाकिस्तान क्रिकेटरों को अगर बर्गर पिज्जे खाने हैं तो बस हमें डायरेक्ट मैसेज कर दें। दरअसल 2019 वर्ल्ड कप में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था, उसके बाद एक पाकिस्तानी फैन का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हमारे खिलाड़ियों को फिटनेस का जरा भी ख्याल नहीं और सब मैच से एक दिन पहले बर्गर पिज्जे खा रहे थे। इस ट्वीट के बाद क्रिकेट फैंस भी जमकर मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इट्स पिज्जा, फर्स्ट लर्न हाउ टू स्पेल। एक और यूजर ने लिखा, सरकाज्म समझे अंकल, तुम्हारे यहाँ पिज्जे ही खाते हैं लोग। वहीं एक और यूजर ने कटाक्ष करते हुए लिखा, बस मुझे इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। वहीं जोमैटो का कटाक्ष वाला यह ट्वीट करीम पाकिस्तान को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिस पर उन्होंने जवाब में लिखा कि आप फिक्र ना करें, हम उन्हें मैच के बाद बर्गर पिज्जे भेज देंगे और आपके लिए बढ़िया सी चाय। तो देखा आपने किस तरह से भारत पाक मैच से पहले सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रशंसकों की बाढ़ आई हुई है और अपनी अपनी टीमों को अपने अंदाज में सपोर्ट कर रहे हैं।